SUCIC के मनीष श्रीवास्तव ने पहले दिन भरा पहला नामांकन। आज गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के लोकसभा प्रत्याशी SUCIC के मनीष श्रीवास्तव ने आज पहले दिन पहला नामांकन शिवपुरी से भरा। मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि उनकी प्राथमिकता गुना अशोकनगर शिवपुरी में मेडिकल कॉलेज, कृषि महाविद्यालय और गुना शिवपुरी अशोकनगर में जल संरचनाओं को बेहतर कर जल लोगों तक सुलभता के साथ उपलब्ध कराया जाए और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ भी प्रमुखता से मुद्दों को लोकसभा चुनाव में उठा रहे हैं। SUCI पार्टी पूरे देश में 119 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आज पहले दिन SUCI के प्रत्याशी मनीष श्रीवास्तव ने पहला नामांकन भरा। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ पहला नामांकन भरा। सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट की ओर से आज हमने पहला नामांकन भरा है गुना संसदीय सीट से। हम लोग एक क्रांतिकारी राजनीति से जुड़े हुए हैं और जो 70 सालों से चली आ रही है पूंजीपति वर्ग की लूट, जिसमें पूरी तरीके से भागीदारी भाजपा और कांग्रेस कर रही है। शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, इलाज को महंगा किया जा रहा है, उनको निजीकरण किया जा रहा है, इन सब के खिलाफ आम आदमी की आवाज़ संसद तक पहुँचाने के उद्देश्य से हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में पूरी दमदारी से हम उनको चुनौती देंगे, उनकी लूट के खिलाफ हम लोग आम आदमियों को संगठित करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। आपके स्थानीय मुद्दे क्या होंगे लोकसभा की? हम चाहते हैं कि एक जनप्रतिनिधि का जो मूल काम है कि अपनी जनता की, अपनी क्षेत्र की आवाज़ को संसद तक पहुँचाना। यहाँ पर अभी रोजगार की बहुत ही कमी है। हमारी एक मांग रहेगी कि यहाँ पर रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाएँ, विभिन्न जल संरचनाओं को व्यवस्थित किया जाए ताकि पानी का जल स्तर बढ़ सके। एवं यहाँ पर हम देख रहे हैं अनियमितता बरती जा रही है विभागों में। अगर एक सांसद उनके साथ निडरता के साथ खड़ा होता है आमजन के लिए, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी राहत हम यहाँ पर लोगों को पहुँचा पाएंगे।